दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कश्मीर को भारत के बाकी भागों से ट्रेन के द्वारा जोड़ने के लिए इंडियन रेलवेज के द्वारा कश्मीर जैसे मुश्किल पहाड़ी एरियाज में नई रेलवे लाइन को बिछाने का काम काफी तेजी से किया जा रहा है। लेकिन हाल ही में इंडियन रेलवे को कश्मीर में एक काफी बड़ी अचीवमेंट मिली है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट USBRL प्रोजेक्ट के ऊपर इंडियन रेलवे के द्वारा काफी तेजी से काम किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके मदद से जम्मू कश्मीर को ट्रेन के द्वारा भारत के बाकी भागों से जोड़ा जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि इस 272 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट का जो फर्स्ट फेज है, जिसकी लंबाई 118 किलोमीटर है और ये सेक्शन काजीगंज से लेके बारामूला के बीच में देखने को मिलता है, और इस 118 किलोमीटर लंबे पोर्शन को अक्टूबर 2009 में ही कंप्लीट कर दिया गया था। उसके बाद 18 किलोमीटर लंबे बनिहाल काजीगंज सेक्शन और 25 किलोमीटर लंबे उधमपुर कटरा सेक्शन को जून 2013 और जुलाई 2014 में कंप्लीट कर दिया गया था। यानी कि अब बाकी का बचा हुआ जो 111 किलोमीटर लंबा सेक्शन है उस पर काम किया जा रहा है, और ये 111 किलोमीटर लंबा सेक्शन हमें बनिहाल से लेकर कटरा के बीच में देखने को मिलता है। और मैं आपको बता दूं कि 6 दिसंबर 2023 को बनिहाल से लेकर खारी के बीच के सेक्शन को ओपन कर दिया गया था, और 6 दिसंबर को बनिहाल से लेकर खारी के बीच में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन को चलाकर ट्रायल रन को कंडक्ट किया गया था। लेकिन दोस्तों जनवरी 2024 में खारी से लेकर सुमर के बीच का जो सेक्शन है वहां पर पहली बार एक EMU को चलाया गया, यानी इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। और दोस्तों इंडिया के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा 25 जनवरी 2024 को ट्विटर पर एक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो को शेयर किया गया, जहां पर उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के खारी और सुमर के सेक्शन के बीच में पहली बार एक इलेक्ट्रिक इंजन को चलाया गया। और मैं आपको बता दूं कि इस ट्रेन को भारत की सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल में से गुजारा गया था, जिसकी लंबाई हमें लगभग 13 किलोमीटर देखने को मिलती है, और ये टनल इतनी ज्यादा लंबी होने के कारण ये भारत की सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल बन जाती है। और दोस्तों जो ये 111 किलोमीटर लंबा सेक्शन है वो USBRL प्रोजेक्ट का फाइनल फेज है, जो कि काफी जल्दी बनकर तैयार होने वाला है, और हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों बाद आप भारत के किसी भी भाग से जम्मू या फिर कश्मीर जा पाओगे, वो भी ट्रेन के द्वारा। तो वेल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।